वेदांता फॉक्सकॉनचा प्रकल्प असू देत किंवा बल्ब डग पार्कचा प्रकल्प असू देत महाराष्ट्रातना हे प्रकल्प बाहेर कसे जातात हा सवाल आदित्य ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा उपस्थित केला महाराष्ट्रामधून बाहेर गेलेल्या या प्रकल्पामध्ये वेदांता कंपनीची भूमिका सुद्धा अत्यंत महत्वाची आहे कारण फॉक्सकॉन या कंपनीसोबत वेदांता यांचा करार आहे पण ही वेदांता कंपनी नेमकी आहे का या प्रकल्पामधून नेमकं काय उभारलं गेलं असतं हे आपण त्यांच्याच कडून जाणून घेणार आहोत कहीं महीनपूर्वी बातचीत के लिए एबीपी एबीपी ग्रुप या कंपनी बाबत काय माहिती दिली पहुए एक पटना से एक स्क्रैप डीलर बंबई आता है बंबई से लंदन जाता है ये जो पूरा आपका जर्नी है इसको आप हमारे दर्शकों को समझाएंगे जो अपने लाइफ में जो स्ट्रगलिंग फेस था और अभी आप बिलेनियर कैसे बने हम लोग बिहार के बिहार के हैं बिहार यूपी में हम लोग एक ज़्यादा ज़्यादा सोचते नहीं हैं आगे बढ़ते जाते हैं जो जो एक, एक सपना देखने की हम लोग सबकी इच्छा रहती है और सपना हम लोग देखते हैं तो मेरे को अभी भी याद है उन्नीस साल का था मैंने कई बार बोला है सेवेंटी फाइव में तो जब बी टी स्टेशन पर उतरा थ्री टायर में एक बेडिंग होती थी और एक लोहे का बक्सा होता था लेकिन उतरे कोई कम मौका मिला बम्बई आने का जब बाहर निकले तो बॉलीवुड की मूवी दिख गई वही वी टी सिंह दिखता था वही टैक्सी दिखी और मैंने कहा कि हम लोग तो हनुमान जी को मानते हैं तो बोले भाई हनुमान जी हम लोग को यहाँ रख लो अब यही रहना है तो ऐसा मन में विचार करके रहे और आगे बहुत तकलीफ़ें आई लेकिन तकलीफ़ तो स्टेट ऑफ माइंड है तकलीफ़ तो आती है और जाती है लेकिन हम लोग की हम लोग की जो हिम्मत रहती है हर जगह से निकल जाते हैं आगे बढ़ते जाते हैं रोज़ नया नई 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 बात सीखते हैं सड़क पर भी खा सकते हैं फाइव स्टार होटल में भी खा सकते हैं अंग्रेजी नहीं बोलना आता है धीरे तो धीरे वो भी सीख जाते हैं तो करते 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 आगे बढ़ जाते हैं और कोई गॉड नहीं होता है तो एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है कोई भी अगर गॉड रहते हैं बड़े लोग रहते हैं तो हरदम लगता है कि उनका नाम खराब हो जाएगा यहाँ तो न मूछ है न पूछ है तो अपने उसी में आगे बढ़ते चले गए और ईश्वर की कृपा रही बहुत अच्छा लगा आनंद आया लाइफ की जर्नी बहुत अच्छी लगती है फिर अमेरिका भी चले गए अमेरिका भी रहे हमारी लड़की का वहाँ जन्म हुआ वहाँ भी कई साल निकाले फिर उसके बाद लंदन तो इसलिए आना पड़ा लंदन क्योंकि यहाँ पे पैसा नहीं मिल रहा था तो मेरे को लोग किसी ने बताया कि लंदन में अथा समुद्र है पैसों का अगर आप वहाँ जाके लिस्ट कराएंगे तो आपको तो वहाँ चले गए वहाँ जाके यहाँ की कंपनी थी जो छोटी थी चालीस पचास मिलियन से ऊपर बढ़ नहीं रही थी और अरमान बहुत बड़े थे अब हम धर्म और कर्म हमारे पिताजी ये दो ही बात हमको सिखाई गए कि धर्म को हाथ में रखते हुए कर्म करते रहना और कभी भी डरना नहीं लेकिन अपनी नम्रता को नहीं छोड़ना देने वाला ईश्वर है वो तुमको देगा तो इन्हीं बातों से चलते चले गए चलते चले गए और कभी सक्सेस मिली नहीं मिली आप देखिए पैंतीस बिलियन डॉलर वहाँ रेज किया यहाँ वाजपेयी बा, जी की गवर्नमेंट गौ, थी उन्होंने उनके टाइम में हिंदुस्तान जिंक दिया बाल को दी उसको एकदम जैसे पट्टे पे देवता को रखते हैं वैसे रख करके उसको आगे बढ़ाया और 20-20 गुना उस कंपनियों को बड़ा कर दिया हमने क्या किया करने वाला अगैन लेकिन ये हुआ तो बहुत अच्छा लगता है आज जर्नी बहुत अच्छी रही एक ज़माना था कि बीबी और बच्चे चाहे रात में दो बजे भी पहुँचो तो थाली लेके ऊँगती रहती थी मेरी बीवी जब तक तो हम नहीं आते तो दोनों थाली में बैठ के खाते थे कि आज आज दिन अच्छा नहीं गया मतलब तो कोई बात नहीं कल ठीक हो जाएगा तो दोनों साथ में खाते थे आज बड़ा मकान हो गया बच्चे लोग इधर उधर चले गए अब घर जाते हैं तो कोई स्वागत करने वाला नहीं है तो दो कुत्ता रखा है तो वही लोग आके गले से लग, लगता है और उन, उन्हीं के साथ में हम अपनी खुशी बांटते हैं ये नहीं किसी में प्यार कम हुआ है पर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है समय बदलता जाता है सर जैसा कि आपने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ को अभी प्राइवेटाइज़ करना चाहिए सरकार कर भी रही है और बहुत ठोस कदम भी उठाए हैं इसमें आप देखें तो बीपीसीएल का प्राइवेटाइजेशन का बात चल रहा है एयर इंडिया का बिड्स का भी बात चल रहा है तो इस जो गवर्नमेंट का इतना बड़ा प्राइवेटाइजेशन का उद्देश्य है लक्ष्य है इसमें वेदांता किस तरह से आगे आ रहा है आपको किस सेक्टर्स में किन कंपनीज में इंटरेस्ट है जिसमें आप बिड डालेंगे या डालें हैं हमने बीपीसीएल पी सी है शिपिंग आज शिपिंग में भी हमारे यहाँ 95 परसेंट बाहर की शिप काम करते हैं 100 बिलियन का बिजनेस है तो शिपिंग कॉरपोरेशन जैसी दस कंपनी और चाहिए शिपिंग कॉरपोरेशन में हमने देखा कि जैसे कि हमारा मूवमेंट बेटर हो कंटेनर कॉरपोरेशन है आज कंटेनर की इतनी शॉर्टेज हो गई है जिसका हिसाब नहीं है इन क्षेत्रों में भी डिजिटलाइजेशन हो जैसे कि हमारे पोर्ट जो हैं वो डिजिटलाइज हों जैसे कि मूवमेंट मूवमेंट फास्ट हो तो सर तो क्या इसको हम नेचुरल एक्सटेंसन बोल सकते हैं फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज प्लेयर गेटिंग इन लॉजिस्टिक्स जो कि नेचुरल प्रोजेक्शन है लॉजिस्टिक्स एंड शिपिंग अभी तो कुछ है ही नहीं अभी तो आसमान में तो सपने देख रहे हैं जब आएगा तो वो देखेंगे बट नेचुरल रिसोर्स में मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है क्योंकि हिंदुस्तान का सत्तर परसेंट पैसा सत्तर परसेंट जो अगर सौ डॉलर है वो इलेक्ट्रॉनिक और नेचुरल रिसोर्स में चला जाता है उसको अगर हम बचा लें उससे कहीं बाहर देश के बाहर जॉब क्रिएट हो रहा है कहीं ना कहीं तो माल बन ही रहा है कहींने कहीं सोना तो बन ही रहा है कहींने कहीं कॉपर तो बन ही रहा है ऑयल बन ही रहा है कोयला बन ही रहा है हम अपने यहाँ क्यों नहीं बनाए और आप वो वो जो बना रहे हैं वो पचास साल पुराना बना रहे हैं आज हम जो बनाएंगे हम माइक्रो हिसाब से बनाएंगे हम डिजिटल के हिसाब से बनाएंगे जिसमें कि हम इन्वायरमेंट को और ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे तो ये 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 मेरे को लगता है कि मैं हम लोगों के गीता में भी लिखा हुआ है कि जिस राह पे एक बार आप चले उसी राह पे आप चलते रहिए जो भी तो उसी राह पे हम चलते जाएंगे जब जो, जो मेरे को समझ में आता है आने वाले दिनों में जो भी कंपनी आएगी उसको आगे से आगे अच्छा बनाएंगे बड़ा बनाएंगे अलाइड लाइन में भी अगर कोई चीज़ आएगी तो उसको भी देखेंगे सर केन इंडिया को वेदांता में मर्ज करके आपने भारत का तो सबसे बड़ा नेचुरल रिसोर्सेज कंपनी बना लिया है अब आप कंपटीशन करने जा रहे हैं ग्लोबल प्लेयर्स जैसे रियो टेंटो हो गए उस लेवल पे जा रहे हैं तो उसके लिए क्या रोड मैप है मैं कोई स्पर्धा में नहीं जा रहा आप भी समझिए मैं एक ऐसी चीज़ बनाना चाहता हूँ जो कि 500 साल तक रहे ऐसी चीज़ बने जैसे कि एक मंदिर और इसमें कोई फ़र्क नहीं रहे जो कि हमारी फैमिली नहीं चलाए मैंने जैसे टाटा का भी मॉडल है कि छासठ परसेंट उन्होंने चैरिटी में दिया है हम लोग बिहार के हैं हम लोगों ने कहा कि सेवेंटी फाइव परसेंट हम पब्लिक में देंगे जो कि हम नंदघर बनाने जा रहे हैं आठ हज़ार आठ करोड़ बच्चे हैं हिंदुस्तान में बच्चों ने क्या गुनाह किया है जो उनको शिक्षा नहीं मिले उन्होंने क्या गुनाह किया है कि उनको खान खा, पौष्टिक आहार नहीं मिले उनको कल्चर नहीं मिले कि कैसे कहा जाए तो उसको लेकर मेरा बहुत ध्यान है कि हम नंद घर बना रहे हैं तो वो आ, आ, उस दिशा में आ, मेरा मेरा बहुत है कि ये कंपनी कैसी बने जो कि अपने आप चले आज जब अपने आप चले और एक पूरी दुनिया में एक नाम हो हिंदुस्तानी कंपनी इतनी अच्छी तरह से भी चल सकती है यही मेरा एक ध्येय है और इसी में मैं लगा हुआ हूँ और आने वाले दिनों में आपको विश्वास होगा ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि रन फॉर द पीपल वर्क फॉर द पीपल और वर्क फॉर द यूथ सर तो वेदांता भारत में आने वाले कुछ सालों में कितना पैसा निवेश करेगी कंपनी का रोड मैप क्या है कैसे आगे बढ़ेंगे कितना निवेश करेंगे जो मेरे समझ में आ रहा है कि तेल के उत्पादन में अलूमिनियम के उत्पादन में हम हम आ, जिंक के उत्पादन में सिल्वर के उत्पादन में हम आयरन और के उत्पादन में हम लार्जेस्ट फाइबर ऑप्टिक जो तो हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि हर मंडी में फ़ाइबर ऑप्टिक से काम हो हर एजुकेशन सेक्टर में फाइबर ऑप्टिक से काम हो उन्होंने लाल किले पर अनाउंस किया और रीन्यूबल हाइड्रोजन इनमें हम आगे बढ़े हमारी बहुत अच्छी कंपनी है एस वो बहुत आगे बढ़ रही है वो ये कंपनी है जो कंप्लीट 5G के ऊपर पूरा उसका ध्यान है हम ग्लास बनाते हैं ताइवान में कोरियन में फैब और सेमीकंडक्टर इसमें हमारा बहुत ध्यान है सेमीकंडक्टर में, में मेरा दिल लगा हुआ है uh, फैब में, में मेरा दिल लगा हुआ है जिससे कि हज़ारों फैक्ट्रियाँ लगें जो कि खुद की खुद की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बना सकें तो आने वाले दिनों में हम लोग तो उत्साह से बात करते हैं कि हम दव, हम उत्साह से बात करते हैं हमारी इच्छा है बीस बिलियन डॉलर हम अपनी कंपनी में निवेश करें पैसे की कोई कमी नहीं है लोग हमारे पीछे हमने आज तक आपको विश्वास नहीं होगा अपनी सैलरी के अलावा हमने कंपनी से कुछ भी नहीं लिया और कभी भी अपना एक शेयर भी नहीं बेचा हरदम इसी में लगे रहे कि हमारी कंपनी आगे बढ़े सर so, बीस बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट ये तो बहुत ही बड़ा एक रकम है यदि आप बाइफर्केट करके बताएंगे कि किस बिजनेस में कितना इन्वेस्ट करेंगे 25 परसेंट हम करेंगे टेक्नोलॉजी में जो हमारी टेक्नोलॉजी की कंपनी है और 75 परसेंट हम अपना नेचुरल रिसोर्स ऑयल एंड गैस में सबसे ज़्यादा करेंगे उसके बाद जिंक अलूमिनियम कॉपर, इसमें हमारा बहुत ध्यान है थोड़ा पैसा प्राइवेटाइजेशन में जाएगा तो ये यही एक अनुभव से बता सकता हूँ मैं सर जैसा मोटा मोटी आपने कहा कि लगभग पाँच बिलियन आप टेक्नोलॉजी में डालेंगे मोस्टली आप देख रहे हैं सेमी की तरफ अभी ग्लोबल माहौल ऐसा बना हुआ है कि सेमी का या चिप्स का ग्लोबली बहुत ही शॉर्टेज है और इंडिया में मोदी भी, भी जी भी चाह रही हैं कि मेक इन इंडिया हो लोग आए यहाँ फैक्ट्री लगाएँ तो उसमें आप कुछ सोच रहे हैं जी हम लोग तो हम ही तो हैं जो बनाते हैं वहाँ पे और हम आगे बढ़ के इसको इसको लगाएंगे सेमीकंडक्टर फैब फैब के यूनिट और इसको गवर्नमेंट की पॉलिसी आने वाली है गवर्नमेंट बहुत फास्ट हुई है और आने वाले दिनों में हमारे ब्यूरोटि ब्यूरोट बुरोक्रेट भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यंग ब्यूरोट आ गए यंग ब्यूरोक्रेट आ गए और वो बहुत फ़ास्ट डिसीज़न लेते हैं और एक पोर्टल अभी हम हुआ है जिसमें कि आपको ह्यूमन टच ही खत्म हो गया जिसमें कि आपको डिसीज़न बहुत फास्ट होते हैं हमारे फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं होते थे मानो पाँच पाँच साल लग जाते थे ये yes, आप समझिए कि दुनिया चाहती नहीं है कि हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो लोग चाहते हैं कि ये मार्केट बना रहे जहाँ कि हम माल बेचते रहें ये ब्रेक करना ही है इसको ब्रेक करना ही है हमें हिंदुस्तान को मैं माल उनको अपॉर्चुनिटी है आप हिंदुस्तान में आइए ना अब हिंदुस्तान में पैसा लगाइए आप हिंदुस्तान में हमारे यहाँ काम कीजिए मैन्युफैक्चरिंग कीजिए और हमारे यहाँ कोई भी डिविडेंड के ऊपर टैक्स नहीं है आप डिविडेंड बेच सकते हैं तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो तो इसी दिशा में हम देख रहे हैं सर लास्ट जाते जाते एक सवाल आपको लगता है कि दिस डेकेट बिलोंग्स टू इंडिया द टाइम हैज़ कम फॉर इंडिया एकदम आ गया है मैं एक ही बात बोल सकता हूँ हिंदुस्तान को अपने इंटरप्रेन इंट, पर नाज होना चाहिए उनको हिंदुस्तान से बाहर जाके कुछ कर्तब दिखाने की ज़रूरत नहीं है हिंदुस्तान में ही कर्तब दिखाएं सारा चीज़ सेल्फ सर्टिफिकेशन कर दें जैसा इनकम टैक्स में सिंपल कर दिया है सब पोस्ट असेसमेंट करें और दो ही बातें हमको लगती है एबीपी पी उड़ा डोले बघा नीट